नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते इंडिया में। साल 2020 तो खत्म हो गया, लेकिन वे अपने पीछे कई अहम सवाल छोड़ गया है। इस साल ने लोगों से नौकरियां छीनी, प्राइवेट सेक्टर में लोगों की 50% तक तनख्वाह काटी गई, 10 करोड़ से ज्यादा मजदूर महीने भर के लिए घर बैठने पर मजबूर हुए और पहली बार पूरी तरह से यात्री ट्रेन बंद कर दी गई। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि साल 2021 में ये सब चीजें फिर से पहले जैसी हो जाएंगी या नहीं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के चुनाव से लेकर T20 वर्ल्ड कप और ओलंपिक गेम जैसे इवेंट्स के नतीजों को लेकर भी लोगों में उत्सुकता है। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको राजनीति, खेल, सिनेमा और आम जिंदगी से जुड़े ऐसे सवालात के जवाब के बारे में रूबरू कराएंगे। 2021 में रोजगार, सबसे पहले बात रोजी रोटी की यानी रोजगार की। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के बाद अपील की थी कि लोगों को नौकरियों से ना निकालें, लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMII के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में 1,77,00,000, मई में 1,00,000 और जून में 39,00,000 लोगों को नौकरियों से निकाला गया। कुल मिलाकर कोरोना काल में 1.9 करोड़ नौकरी पेशा लोग बेरोजगार हुए और अब अनलॉक के बाद से अब तक करीब 50,00,000 लोगों को ही वापस रोजगार मिल पाया है। इसलिए 2021 का सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या जिनकी नौकरियां गई थी उन्हें वापस रोजगार मिल पाएगा। फिलहाल CMII के ही आंकड़े बताते हैं कि 30 जून 2020 को भारत में बेरोजगारी दर 23% पहुंच गई थी, जो 30 दिसंबर को 9.1% रह गई है। ये मार्च में रोजगार छीनने से पहले की बेरोजगारी दर 8.75% से थोड़ा ही ज्यादा है। 2021 में यात्री ट्रेन, 22 मार्च 2020 के पहले 13,000 से ज्यादा यात्री ट्रेन चलती थी। इसमें रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा करते थे। महीने में ट्रेन से यात्रा करने वालों की संख्या 6 अरब के पार होती थी, लेकिन कोरोना के चलते 31 मार्च को यात्री ट्रेन पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, जिसके बाद मई से लेकर दिसंबर तक कुल 8 महीने में महज 1,089 ट्रेन ही चलाई जा सकी हैं। इसलिए 2021 का दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पहले की तरह ट्रेन पटरी पर लौट पाएगी। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO VK यादव ने जानकारी दी थी कि रेलवे संचालन में अब तक वापस लौटे कर्मचारियों में 30,000 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 2021 में T20 वर्ल्ड कप, 2016 के 5 साल बाद क्रिकेट फैंस को 2021 के वर्ल्ड कप का इंतजार है। ये भारतीय दर्शकों के लिए और ज्यादा बेचैन करने वाला है, क्योंकि पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में टीम इंडिया ने ही जीता था और अब 7वां T20 वर्ल्ड कप इंडिया में ही होने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया इस साल T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी। फिलहाल दिसंबर 2020 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 मैच की सीरीज 2-1 से अपने नाम की है। इसके बाद से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। 2021 में बंगाल चुनाव, इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी सरगर्मी अभी से तेज है। गृह मंत्री अमित शाह समेत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा, प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य में सभाएं बढ़ा दी हैं। चुनावी रैलियां अभी से शुरू हो गई हैं। दिसंबर 2020 में अमित शाह ने बंगाल का दौरा किया और इस दौरान ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 9 विधायकों को और एक सांसद ने दल बदल कर BJP ज्वाइन कर ली। पहले ही लोकसभा चुनाव 2019 में 40 में से 22 सीटें जीतकर BJP ने हलचल और बढ़ा दी है। 2021 में 5 अगस्त, 5 अगस्त बहुत खास तारीख है और इसे खास बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने। दरअसल 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था। 2020 में जब राम मंदिर की भूमि पूजन की बात आई तो 5 अगस्त को ही चुना गया। अब ये महज संयोग था या फिर इस बार भी 5 अगस्त को सरकार कोई बड़ा ऐलान करेगी, इसका जवाब भी इस साल मिलेगा। फिलहाल एक देश एक चुनाव और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहसबाजी जारी है। 2021 में माही उर्फ धोनी,
महेंद्र सिंह धोनी वो भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने टीम इंडिया को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचाया है। उन्होंने बतौर कप्तान 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता, 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती और 2009 में टेस्ट क्रिकेट के टॉप रैंकिंग तक पहुंचे। साल 2020 में उन्होंने वनडे और T20 से संन्यास ले लिया। टेस्ट से 2014 में ही धोनी संन्यास ले चुके थे। 2020 में हुए IPL में धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स अब तक की सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए 14 में से 6 मैच ही जीत सकी है। धोनी ने 14 मैच में 200 रन बनाए, इसमें 47 टॉप स्कोर रहा। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या 2021 में उनका आखिरी IPL होगा। 2021 में PM मोदी का लुक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर अपने लुक को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी हैं और कोरोना काल में PM मोदी ने अपना लुक ही बदल लिया है। वे अब बड़ी हुई दाढ़ी और बड़े बालों में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में उनकी ये तस्वीर रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर के साथ जमकर शेयर हुई और इस पर लंबी लंबी बहसें हुई। हालांकि अभी ये किसी को नहीं पता है कि PM मोदी के नए लुक के पीछे क्या वजह है। सभी अपनी अपनी सुविधा से अंदाजा लगा रहे हैं। इसके साथ ही कहा ये भी जा रहा है कि PM मोदी पहले भी राजनीतिक कारणों से अपने लुक बदलते रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या 2021 में इस राज से पर्दा उठेगा। 2021 में कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2019 में हारने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कई महीनों तक चले मंथन के बाद सोनिया गांधी को फिर से कांग्रेस पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अगस्त 2020 में कांग्रेस के 23 असंतुष्ट नेताओं ने सोनिया गांधी को लेटर लिखकर शीर्ष नेताओं का चयन करने के लिए कहा। असंतुष्ट नेताओं में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर और विवेक तन्खा समेत पार्टी के प्रमुख नेता शामिल थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में नए सिरे से सुधार और शीर्ष नेतृत्व चुनने की वकालत की थी। इसके बाद असंतुष्ट नेताओं ने और सोनिया गांधी के बीच बैठक हुई, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। उम्मीद है कि 2021 में इसका भी समाधान निकलेगा। 2021 में सिनेमा। कोरोना महामारी के चलते मार्च 2020 में सिनेमा घर बंद हो गए। तब रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ अपनी सूर्यवंशी की टीम के साथ जमकर प्रमोशन कर चुके थे। फिल्म 24 मार्च 2020 को रिलीज होनी थी और इसी तरह रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की 83 का प्रमोशन भी शुरू हो चुका था। ये फिल्म 10 अप्रैल 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाई। रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार के साथ आने से दर्शक जबरदस्त एक्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो दूसरी ओर टीम इंडिया की पहली 1983 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने की कहानी का इंतजार भी हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान इन फिल्मों के OTT पर रिलीज होने की खबरें भी उड़ी, लेकिन मेकर्स इसे सिनेमा घर में ही रिलीज करना चाहते हैं। फिलहाल सिनेमा घर खुल चुके हैं, लेकिन मेकर्स फिल्म रिलीज को लेकर कोई तारीख तय नहीं कर पा रहे हैं। 2021 में ओलंपिक्स। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त के बीच टोक्यो में ओलंपिक गेम होने हैं। जापान इसकी पूरी तैयारी में लगा हुआ है। 25 मार्च 2021 को फुकुशिमा से ओलंपिक की टॉर्च रिले भी शुरू हो जाएगी। इसे जापान की राजधानी टोक्यो समेत 47 प्रांतों से होकर गुजरनी है, लेकिन अभी जापान के कई हिस्सों में आवाजाही अलग अलग तरह के प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। ऐसे में ओलंपिक अपने असली लिबास में हो, इस पर संदेह है। असल में ओलंपिक 2020 में ही आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते ये स्थगित हो गया था। नमस्ते इंडिया।